गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लिमिट्स कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 22। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़े बहुत आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। जैसे कि लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू ज़ीरो है, थीटा सिर्फ एक एंगल है, एक्स टेंड टू ज़ीरो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा टेंड टू ज़ीरो और यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसका पूरा जो वैल्यू है ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 1। ये बात याद रखें, ठीक है। तो ऐसा रहा अगर साइन 4x, तो नीचे भी हमें क्या चाहिए रहेगा 4x, और यहाँ पर भी क्या चाहिए रहेगा लिम यानी लिमिट 4x टेंड्स टू ज़ीरो। तो जो एंगल यहाँ पर होता है वही एंगल यहाँ पर चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो है और यहाँ पर अगर टैन थीटा अपॉन थीटा हो तो ये हो जाएगा 1। इसका भी सेम ही चीज़ है, जो ये एंगल थीटा यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पर होना चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, ये मिलके 1 हो जाएंगे, समझे। अब थर्ड पॉइंट नोट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो है और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब इसके लिए भी सेम रूल है, यहाँ पर जो एंगल है ना वही चीज़ यहाँ पर और वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, उसी को थीटा टेंड करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिसको एक्स टेंड कर रहा है ना वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मैं देखूँगा साइन ए और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन बी एक्स की जगह आ जाएगा 0। तो साइन ए इंटू 0 ये क्या हो गया, साइन ये 0 हो गया पूरा, और ये क्या हो गया 0 हो गया, साइन 0 क्या होता है 0 और नीचे क्या हो गया 0। तो जब 0 बाई 0 आया तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी 0 बाई 0 आता है तो ये वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता, इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। तो जब इनडिटर्मिनेट वैल्यू होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है उसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू ए एक्स। ये मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। अगर देखोगे, ठीक है, रफ में इस बात को समझो कि अगर साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स था तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ए एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमने ऐसे बदलाव किए जिस बदलाव की वजह से क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आए। डिवाइड किया ए एक्स से, मल्टीप्लाई किया ए एक्स से, ये बात आ गया समझ में। तो यार इस पार्ट को हमने डिवाइड किया, इस पार्ट को हमने मल्टीप्लाई किया जो मैंने मार्क कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सवाल में कोई चेंजेस आया क्या, नहीं, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू साइन ए एक्स और ये वाला ए एक्स ले लेता हूँ इन टू ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो बड़ा छोटा सा अरेंजमेंट किया बच्चों, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और ए एक्स बी एक्स को एज इट इज लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे ही कुछ भी सिंपलीफाई हो तो देख लो, ये इसी पे केस में x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका सिर्फ साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए बाय बी। तो हमने ये पार्ट को सिंपलीफाई कर दिया, दिख रहे हैं इसको, इसको हमने ऐसा सिंपलीफाई कर दिया। अब हम लिमिट ले लेते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए बाय बी। अब ये जो वैल्यू है बच्चा, ये ए एक्स है, एंगल एंगल का नाम साइन का, एंगल का नाम ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, पर यहाँ पर है एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स टेंस टू क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ चाहिए हमको, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये सेम चीज़ लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी नो डैट, हमें पता है, वी नो डैट व्हेन एक्स टेंस टू ज़ीरो देन ए एक्स विल ऑल्सो टेंस टू ज़ीरो। जब एक्स ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा तो ए एक्स भी किसकी तरफ बढ़ेगा, ज़ीरो की तरफ ही बढ़ेगा। तो व्हेन एक्स टेंस टू ज़ीरो ए एक्स विल ऑल्सो टेंस टू ज़ीरो, सो दिस कैन बी रिटर्न एज लिमिट ए एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए बाय बी। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया वन, और वन इंटू ए बाय बी, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए बाय बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या है, ए बाय बी। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कोई परेशानी नहीं होगा।